नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आइए बात करते हैं निफ्टी नेक्स्ट वीक कहाँ काम काज कर सकता है, और नेक्स्ट वीक में एक दिन शॉर्ट है, 2 अक्टूबर की छुट्टी है। तो अगर आप देखोगे, ये वीकली चार्ट है निफ्टी का, और यहाँ से अगर हम फिबोनाची से इसका जो लेवल निकालते हैं तो ये देखिए, ठीक है। तो 0.6 इसकी हाल फिलहाल क्लोजिंग है, करीबन 0.72 के ऊपर, ठीक है। ये 0.72 के आसपास इसकी क्लोजिंग है, तो अभी तक नेगेटिव नहीं है। लेकिन हाँ, प्रीवियस लो इस डोजी के कैंडल को क्लोज करेगा तो फिर ये एक नेगेटिव सेशन में आना शुरू हो जाएगा। तो जैसे इसका लो है 496, मतलब 19,500 अगर आप पकड़ते हैं, तो अगर आप देखोगे तो डोजी के बाद में जब सपोर्ट मार्केट लेता है या फिर सपोर्ट लेना चाहता है या वहां से बाइंग आती है, तो एक जैसे सिंपल सा ध्यान रखना कि एक जैसे यहां से एक ट्रेंड लाइन खींच लेना, ये वाली, ये इस तरह से एक ट्रेंड लाइन हम कह सकते हैं। साथ में एक ऊपर से ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, तो ये यहाँ पे ये डेली बेसिस की ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो ये या फिर एक ट्रेंड लाइन यहां से इस तरह से खींच सकते हैं कि ये यहाँ पे होगी, तो बाय की पोजीशन इस डोजी के ऊपर ही रहेगी और सेल की पोजीशन इस डोजी के नीचे। जो पोजिशनल ट्रेड करते हैं, ये वीडियो उनके लिए है, इंट्राडे लेवल्स अलग रहते हैं, क्योंकि इंट्राडे के अंदर मार्केट ऊपर की साइड के भी पोजीशन बन जाती है और नीचे की साइड की पोजीशन बन जाती है। तो ये एक ट्राइंगल फॉर्मेशन के अंदर हाल फिलहाल मार्केट आपके आ गया है। तो और अगर यहां से इसको इस तरह से अगर आप करते हो तो एक बड़ा पोल और फ्लैग, लेकिन क्लोजिंग मस्ट भी इस पॉइंट के ऊपर होनी चाहिए। तो कहां पे है ये वाला 800-900 के ऊपर। तो 19,900 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो एक तरह से बुलिश हो जाएगा, और आपका 19,500 के नीचे फिसलता है तो नीचे में एक और स्पेशली ध्यान रखना कि ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ये वाली, ये जो ट्रेंड लाइन है ये पीछे से सपोर्ट का काम कर सकती है। ये वाला बहुत, ये करीबन है मार्च 20 का जो लो बना था, वहां से लेकर ये बीच में आपके इसी मार्च का लो है, यहाँ पे मार्केट ने एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे सपोर्ट लिया। तो मे भी यहाँ पे इस पॉइंट पे, मतलब करीबन अगर वीकली बात करते हैं तो 19,400 के आसपास आपका एक यानी कि सपोर्ट बन सकता है। अब है कि कई जने, अब इसको अगर हम लाइन चार्ट देखते हैं तो एक क्या है कि सिंपल गया ऊपर, यहाँ से एक डाउनफॉल है, और ये पूरा जो नेक्स्ट वीक था आपका फ्लैट था। फ्लैट इन द सेंस कि यहाँ पे लोजी का फॉर्मेशन का मतलब हो गया आपका कि न तो इसमें बायर है न इसमें सेलर है, ये एक इनडिसीजन कैंडल है। इसके अंदर कोई डिसीजन नहीं है कि भाई मार्केट को किधर मूव करना है। ज्यादातर केसेस में जब बॉटम बनता है या फिर नीचे से सपोर्ट आता है तो वहां पे एक डोजी फॉर्मेशन बनता है और फिर नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर क्लोज होती है, तो मार्केट नीचे से लेवल ऊपर की साइड में जाता है, और अगर गिरना होता है तो फिर नीचे की साइड इसको क्लोज कर देता है। तो अगर आप देखोगे तो एक और दो दो दिन की तेजी, मात्र मात्र एक दिन के अंदर ही करीबन 75% के आसपास की इसने तेजी एक वीक के अंदर ही सपाट कर दी थी, खत्म कर दी थी। तो सिंपली है कि किस तरह से अपन ट्रेड करें। तो अब डोजी का जो बॉडी है, बॉडी का हाई है करीबन 19,700, तो 19,730 के ऊपर हम बाय की पोजीशन में बैठ सकते हैं। कहां तक? फर्स्ट टारगेट आपका हो गया ये डोजी का हाई, 19,785 के आसपास का इसका हाई है, 19,785। फिर नेक्स्ट कहां तक जा सकते हैं? नेक्स्ट आपका 19,900, तो 19,785-19,900, ये दो लेवल के लिए बाय की पोजीशन। एसएल कहां रखेंगे? इस डोजी की बॉडी का लो, मतलब 19,600 का हमारा एसएल होगा क्लोजिंग बेसिस, ये वाला एसएल रहेगा हमारा क्लोजिंग बेसिस, ठीक है। तो ये वाला एसएल हमारा क्लोजिंग बेसिस हो गया। अब
ऊपर में, अगर ये 19,730 के ऊपर मार्केट निकलता है तो हम एक बाय की पोजीशन 19,900 तक कर सकते हैं, मतलब इस कैंडल के हाई तक। यहां से आप देखोगे तो ये दो कैंडल के आसपास का हाई है, मतलब एक तो ये वाली कैंडल हो गई, साथ में आपकी हो गई ये वाली कैंडल। इन दो कैंडल के हाई का तक के टारगेट 19,900 तक आ रहे हैं। अगर नेक्स्ट वीक में एक बड़ी कैंडल फॉर्म होती है ऊपर की साइड में, तो फिर आप इसकी कैंडल के हाई तक का भी आप टारगेट रख सकते हो। तो नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक हो गया आपका, करीबन 19,985 या 20,000। ठीक है, तो तीन टारगेट के लिए बाय की पोजीशन कब, 19,730 का लेवल अगर निकलता है तो हम बाय की पोजीशन में बैठेंगे। अगर 19,600 का लेवल ब्रेक करता है, मार्केट बॉडी का जो लो है वो अगर ब्रेक करता है, तो हम 19,600 के नीचे पुट की पोजीशन कहाँ तक, फर्स्ट तो आपका टारगेट आ गया डोजी का लो, तो डोजी का लो है आपका कहाँ पे, करीबन 19,500, तो 19,500 तक। नेक्स्ट कहाँ तक आ सकती है, ये दोनों देखो नियरली है तो इसको छोड़ दो। नेक्स्ट अगर ये वाला लेवल, अगर ये वाला लेवल मतलब 19,400, नेक्स्ट लेवल आ गया आपका कहाँ पे, 19,400। ठीक है, और अगर 19,400 ब्रेक होता है तो सीधा आप इस पॉइंट तक आ सकते हो। ये वाला पॉइंट कहाँ है, 19,224, 19,250 तक एक नीचे की साइड में। अगर 19,600 का लेवल क्लोजिंग बेसिस ब्रेक होता है तो हम एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। एसएल फिर आपका हो जाएगा 19,730 का क्लोजिंग बेसिस, डोजी का जो ऊपर का बॉडी का है वो हाई का एसएल हो जाएगा। तो अब देखना ये है कि डोजी के बाद में नेक्स्ट कैंडल वीकली किस तरह से फॉर्म होती है। अगर ये ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी तो डोजी का लो टूटेगा नहीं, और अगर रेड कैंडल फॉर्म होगी तो डोजी के हाई नहीं टूटेगा। तो थोड़ा सा केयरफुली ही ट्रेड करें, और लेवल्स आपको मैंने बता दिए हैं ये वनडे के। अगर अपन इसको देखना चाहें, वनडे के अंदर इंट्राडे के लेवल अलग रहते हैं, तो ये वनडे के अंदर अगर आप देखोगे तो ये इस तरह से ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले रहा था, अब यहां से इसके ऊपर निकलेगा तो ये ऊपर निकलेगा तो करीबन 718-720, वो सेम आज का जो हाई है 25-230 का हाई आ रहा है, तो उसी के ऊपर की साइड की बाय की पोजीशन आपकी बनेगी। और नीचे में अगेन आपका 19,400 का एक सपोर्ट है, अगर उस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ से एक अप मूवमेंट आपको दिखाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से वीकली एक्सपायरी के वीकली लेवल्स मतलब टिल फ्राइडे, तो नेक्स्ट एक्सपायरी के ऑप्शन में ट्रेड करें, ना कि आपके करंट एक्सपायरी के ट्रेड में। तो देखना ये है कि मार्केट वापस 19,900 जाता है या 19,400 की तरफ बढ़ता है। तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। थैंक यू।